वही लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बुरहानपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियार निर्माण और परिवहन करने वाले आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में खकनार पुलिस और नेपा नगर पुलिस को अवैध हथियारों की फैक्ट्री सहित हथियार तस्कर को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सिकली कर पाचौरी के जंगल से पांडरी होते हुए धारणी जाने वाला है। सूचना पर तत्काल टीम गठित की गई और पांडरी नाका पहुंचे। जैसे ही सिकलीगर आते दिखा तो उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से 15 हस्त निर्मित पिस्तल जब्त किए गए। वही जब गिरफ्तार आरोपी से पिस्तल लाने के संबंध में पूछताछ की गई, उसी दौरान पचौरी जंगल भी 20 हस्त निर्मित पिस्तल और पिस्तल बनाने के औजार जब्त किए गए। थाना खकनार में नेपा नगर और खकनार दोनों की संयुक्त कार्रवाई में बहुत ही अवैध पिस्तल बनाने की बड़ी खेप को पकड़ा है। 35 पिस्तल पकड़े हैं और इस कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री जो कि पिस्तल बनाने का पूरा सामान और उसके साथ में ये कार्रवाई की गई है। बहुत ही सराहनीय कार्रवाई रही है नेपा नगर की तरफ से। घटनाक्रम इस प्रकार रहा है कि सुबह के वक्त में SDOP नेपा नगर निर्भय सिंह अलावाजी को एक सूचना मिली है। उस सूचना के आधार पर उन्होंने थाना नेपा नगर के थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल, उनके टीम, थाना प्रभारी खकनार विनय आर्य उनके टीम, ये सभी लोगों ने मिल उस सूचना के आधार पर पांडरी जो कि अंतर्राज्यीय चेक नाका है उसके पास में जो सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा था जिसका नाम राजपाल पिता प्रीतम सिंह जुनेजा है। ये गाड़ी बिस्तान का रहने वाला है जिला खरगोन का। इसको जब घेराबंदी करके पकड़ा और इसके पास से करीब 15 पिस्तल जब्त हुए हैं, एक मोबाइल जब्त हुआ है। इस व्यक्ति से जब पूछताछ की तो ये उसी समय पाचौरी के पास जंगलों में जो कि वहाँ पर उसका निर्माण किया जा रहा था, सुनील सिंह पिता नानक सिंह सिकलीगर पाचौरी का और तीरथ सिंह पिता सुल्तान सिंह सिकलीगर ये भी पाचौरी का, इन दोनों के द्वारा ये पिस्तल सप्लाई दी गई थी, इन्हीं के द्वारा ये बनाए भी गए थे। पुलिस की टीम ने उसी वक्त इसको साथ में लेके घेराबंदी की है क्योंकि जंगल का रास्ता है। सारी सब चीज़ों के चलते वो पुलिस को कहीं ना कहीं देख के भागे हैं। दोनों लोग यदि भी भाग गए किंतु उस स्पॉट से हम लोगों को 20 पिस्टल और जब्त हुए हैं जो बनाने वाली जगह है उसके पास से, और बनाने का सामान भी हम लोगों को मिला है। तो ये एक फैक्ट्री के रूप में कार्य कर रहे थे। एक बड़ी कार्रवाई की गई है नेपा नगर की तरफ से, बहुत ही सराहनीय कार्रवाई है। इसमें टोटल 5,25,000 का पिस्टल है और 10,000 का करीब मोबाइल और बनाने का सामान करीब 15,000, ऐसे 5.5 लाख रुपए की जब्ती की गई है।